देखें, यूएसए के खिलाफ जो डिजास्टर होना था वो तो हो गया, अब व्हाट नेक्स्ट? क्योंकि ये वर्ल्ड कप कैंपेन है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ये रिलेंटलेस प्रेशर है, आपको दोबारा से खड़े होना है और खड़े होके दोबारा से अपने आप को बैक करना है। देखिए, मैं 3 वर्ल्ड कप्स खेला हूँ और ये इजी राइड नहीं होती है। 2 वर्ल्ड कप्स हम हारे थे, 1 92 का जीत गए थे और उसमें भी हमें मार पड़ी थी, मगर फिर लीडरशिप जो है वो आपकी सॉलिड होनी चाहिए और फिर ये जो तोड़फोड़ होती है ड्रेसिंग रूम में ये नहीं होने देनी चाहिए। अमेरिका में अमरीकी क्रिकेट टीम ने जो बैरियर्स ब्रेक किए हैं और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का जो भुरकस निकाला है, भाई ये हुआ क्या है? ये खबर ऐसी है जिसके ऊपर वहां पर मौजूद फैंस ने तो रो रो के बुरा हाल कर लिया, पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस ने तो जो तूफान मचाया है और जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को उन्होंने बुरा भला कहा है। मैं आपको अभी जरा ये दिखाती हूँ, सुनवाती हूँ कि वहां पे हुआ क्या है, लेकिन ये हुआ क्या, मेरा भी ये सवाल है। कल से जो हार हुई है पाकिस्तान की, आप यकीन करो इतनी मुश्किल से टाइम गुजरा है, इतनी मुश्किल से टाइम गुजरा है, आपकी सोच है, क्योंकि आपने सब देख लिया होगा कि सोशल मीडिया में जो पाकिस्तान टीम का हाल हो रहा है और एक एक बंदा पाकिस्तान टीम के पीछे लग गया है, बैंड बजा रहा है एक एक बंदा, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई सिलेक्टर्स की किसी ने बैंड बजाई हुई, कोई कप्तान हो गए, कोई प्लेयर्स हो गए, कोई क्या हो गए। और मुझे नहीं लगता ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि भाई जब पाकिस्तान टीम जीतती है स्पेशली वर्ल्ड कप में तो किसी भी मैच में तो पाकिस्तान के जो लोग हैं उसको सपोर्ट भी बड़े अच्छे तरीके से करते हैं, सर पे बिठाते हैं। लेकिन जब आप इस किस्म की गंदी क्रिकेट खेल के यूएसए जैसी टीम से आप जब हारेंगे तो फिर भाई मेरे आपका यही हाल होना है। ठीक है, बाबर आजम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कल, उसमें वही पुरानी बातें, हम 10 रन से कम थे, हमें 10 रन ज़्यादा होने चाहिए थे, ठीक है, बैटिंग ने कुछ नहीं किया, बॉलिंग ने कुछ नहीं किया, फील्डिंग ने कुछ नहीं किया, कैचेस ड्रॉप हुए, ये हुआ वो हुआ, मिडल ऑर्डर में किसी ने बैटिंग कुछ नहीं की, हमारे बॉलर्स आउट नहीं कर सके। भाई ये सब पुरानी बातें हैं, ये जमाना हो गया, जमाने से सुन रहे हैं, तैयारी तूरी हमने कोई नहीं करनी है, वर्ल्ड कप में आके ये सब बातें हम करते हैं कि ये हो गया वो हो गया, दूसरी टीमें कहाँ पहुँच गई, हम मतलब यही सब कुछ कर रहे हैं, मिडल ऑर्डर है नहीं। और भाई सिलेक्टर सिलेक्शन फिर क्या हुई, आपके सिलेक्टर टीम के साथ हैं, आपके सिलेक्टर टीम के साथ हैं, उनसे पूछो, वो आपके साथ साथ सिलेक्टर जो बनाए हुए हैं, दुनिया में कहीं नहीं होता 7 सिलेक्टर हैं आपके, उनकी टीम ही नहीं आ रहा, यूएसए था ये तो पहली दफा जिंदगी में वर्ल्ड कप में वो उतरे। भाई मुझे बड़े दुखी लग रहे हैं, पानी कोई गल कहना चाहना, लख लानत लख लानत, किसका कसूर है आज की हार की? भाई सिर्फ और सिर्फ अमर भाई का कसूर है, जेड़े नवे नहीं आए, 19 स्कोर खा लिया यार, कोई खाने वाली गल, 10 स्कोर बड़ा मैक्सिमम 10 स्कोर, ग्रिल रोड की डील खा ले तो 19 स्कोर खा लिया भाई, हमारा नजरों में से हर इसका कुछ दिल तोड़ता पाकिस्तान, वर्ल्ड कप शुरू नहीं आया सी, दिल तोड़ना शुरू करता साडा, असि तो भैनू कह के आ गए हैं कि तुम जीतो हारो हमें तुमसे प्यार है, हुन ते नहीं है, हुन ते खत्म हो रहा है, 9 जून को इंडिया का मुकाबला करेंगे, कोई अता पता नहीं, कोई अता पता नहीं, कोई पता नहीं, ऐ पाकिस्तान में ना पटाका है, वो पटाका नहीं भूसा ला, चल जावे तो भावे पूरा मल्ला ला दे, तो नहीं चलिया तो भावे बच्चे इंजन कर, बात तो बड़ी की है, बड़ी बात है, वर्ल्ड कप जीतेगा पाकिस्तान, अल्लाह करे भाई, अस बच्चे है वो बच्चे दुआ कर रहे ने, पता नहीं की वाला था जो पहली बार आया था वर्ल्ड कप में, उस नहीं जीता तो इंडिया तो कैसे जीतेगा यार, कुछ ऑफिस से छुट्टी की थी, ऑफिस तो के यार मैच देखना है, लेकिन बाहर आ गए, सीरियस हो गए, एक बात कहना चाहता हूं जो सीधी बात है, साफ बात है, अभी पहला मैच है, इस तरह जज नहीं करना चाहिए, बाहर आ, अभी मेन मैच है 9 जून को, उसे पता लगेगा कि कितने पानी में हमारी टीम खड़ी है, तो यूएसए ने निकाल दिया यार, मैं इसको हार जीत तो इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि भाई अब जाके पता लगेगा 9 जून को, देखते हैं ना कितनी इन्होंने टीम लेवल की है, जो ये दिखाना चाह रहे थे, हमारे पास बॉलर्स हैं, बेस्ट बॉलर्स हैं, ये वो सारा कुछ मामला सारे नजर आ जाएंगे, उनको रसवा किया है, अब 5 बॉलों में 13 हो गया, क्या सुपर ओवर जीतेगा पाकिस्तान? भाई हालात ऐसे हो गए हैं, वाकया जज्बात सब कुछ खराब हो गए, लाके रख दिया यूएसए, समझ ही नहीं आ रहा क्या सीन चल रहा है, ये मुझे लग रहा है यूएसए नहीं ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच लग गया हमारा यार, मैच मजा बैठे यार, मैच मजा बैठे कसम से, बहरहाल अभी जज्बातों को कंट्रोल करते हैं, बड़ा हो गया हमारी तरफ से बैटिंग भी है, आप जब नया बॉल कर रहे हैं तो यू आर बेसिकली कंट्रोलिंग थिंग्स, मिड ऑफ पे आप खड़े हैं, आपको पता है कि यार मेरे पास 3 बॉलर हैं जो 140 प्लस पे बॉल करते हैं, 6 ओवर आप कराते हैं, नॉट अ सिंगल बाउंसर, आप ऐसी टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं तो भाई ये किसने प्लान करना है, ये किसने बॉलिंग करानी है, देन यू आर नॉट, व्हेन द बॉल स्टार्ट रिवर्सिंग इवन, देन यू आर नॉट ट्राइंग टू टेक विकेट्स,
आप सिर्फ कोशिश करेंगे स्कोर रोकना है। नहीं, स्कोर कैसे, जब तक आप वेरिएशन ऑफ लेंथ नहीं करेंगे, थोड़ा दोनों स्विंग नहीं करेंगे उस टाइम पे, और वो मेक द मोस्ट ऑफ दैट रिवर्स स्विंगिंग बॉल, इट मींस कि आप सिर्फ इंतजार कर रहे हैं अगला गलती करे, कुछ हो जाए तो फिर मैं, और फिर फील्ड प्लेसिंग भी आपकी डिफरेंट, जैसे मैंने पहले भी बात की कि कौन सी फील्ड आपने रखी है, कौन से बॉल कर रहे हैं, लास्ट ओवर में ऑफ साइड ऑफ स्टंप आप बॉल कर रहे हैं, वहाँ पे छक्का नहीं लगना। हमारे जो फील्डर्स हैं वो बाउंड्रीज पे दो दो रन दे रहे हैं, और क्विक कौन सा फील्डर है बाउंड्री लाइन पे जिसकी आम तेज है, जो जल्दी ग्राउंड को कवर करता है, दो दो रन ले रहे हैं वो यूएसए वाले, जबकि ठीक है वो हमें वो स्कोर नहीं दे रहे। देखिए मैं इसको थोड़ा सा और जो है इसकी डेप्थ में जाना चाहता हूँ। ये जो कैप्टनसी की आपने बात की, देखें आपने ब्लॉकेज रखी हुई है अपने दिमाग में, वो आप क्या ब्लॉकेज है? ब्लॉकेज ये है कि जब आपने ये सोच लिया कि नहीं शादाब नहीं ऊपर जाना है, तो ये यही है, ये ब्लॉकेज है। और ये भी ब्लॉकेज है कि जो आजम है और इफ्तिहार है उन्होंने लास्ट के ओवर में खेलना, ये ब्लॉकेज है। अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही और आप नहीं सुन रहे तो ये ब्लॉकेज है, ठीक है। अब जो सबसे मेन बात है वो ये है कि बाबर आजम को कैप्टनसी करते हुए कितना टाइम हो गया, अब तो 4 साल पहले की, उसके बाद अब दोबारा, अब जो 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 एक्चुअल में प्रॉब्लम है और जिसको बहुत जल्दी फिक्स करने की जरूरत है, आप बाबर की कैप्टनसी 4 साल पहले की और आज की जो लास्ट मैच हुआ है, कल जो मैच हुआ है, मुझे तो कोई फर्क नहीं नजर आता। तो आप इम्प्रूव करते हैं, अच्छा कोई इम्प्रूव कर रहा हो तो आप जरूर उसको टाइम दें, क्योंकि वो इम्प्रूव कर रहा है और आपको डिसीजंस जो है लॉन्ग रन में नजर आएंगे और कंसिस्टेंटली नजर आएंगे। लेकिन इन बाबर्स केस वो जो 4 साल पहले था एज अ लीडर वो आज भी वहीं खड़ा है, इवॉल्व नहीं हुए बाजत, इन शॉर्ट एब्सोल्युटली, ये पहले भी उनको नहीं पता, सारे तुरम खान बड़े प्लेयर है सारे, उनको नहीं पता कि कौन सा मिडल ऑर्डर सिलेक्ट करना है, क्या करना है। तीन तीन कीपर उठाए हुए हैं टीम के अंदर, चार चार पांच पांच ओपनर टीम के अंदर रखे हुए, वो भाई 7-8 लड़के तो यही हो जाते हैं, बाकी रह गया पीछे बॉलिंग आपकी फारिक, स्पिन अटैक, स्पिन आपके पास है नहीं, ब्रार को आप खिला नहीं रहे, फास्ट बॉलिंग आपके सामने है। बाबर को स्लो खेला जी, पहले 10 ओवर स्लो खेला जी, और मैं मानता हूं स्लो खेला, चले जी मानते, हम सब मानते हैं स्लो खेला, लेकिन उसके बावजूद भी 160 रन क्या डिफेंड नहीं होने थे, हो सकते थे। अभी यही पाकिस्तान टीम का अगला मैच इंडिया से है, सबके दिमागों में यह है कि इंडिया तो फेंटा लगाएगा इन लोगों का, सबके दिमागों, मेरे दिमाग में भी है, लेकिन पता नहीं ये अच्छा हो गया इंडिया से, मैच होने से पहले पाकिस्तान हार गया कि वहां उनसे खेलने से पहले हम क्या बोलते हैं वो जाग जाएं, क्योंकि हमेशा ज्यादातर यही होता कि जी वर्ल्ड कप का पहला मैच इंडिया पाकिस्तान का होता, उसमें आपका मोमेंटम नहीं बनता, ना इंडिया का बनता है ना पाकिस्तान का बनता है, इंडिया ने तो फिर भी हमेशा मारा, हमें हमारा तो बनता ही नहीं, हम हारने के बाद बनता है, ठीक है, शायद यूएसए से हारे हो, कोई जान आए, कोई एफर्ट मारो इंडिया के खिलाफ, मैच जीते किसी ना किसी तरीके से, इसलिए शायद आ रहे हैं, कोई अकल समझ हो कि यार क्या करें, आपके पास प्लेयर ही नहीं यार, डगआउट में प्लेयर नहीं, ड्रेसिंग रूम में प्लेयर नहीं, प्लेइंग 11 नहीं, पता नहीं मैं जो तो समझ नहीं आ रही किस किस्म की ये लोग सिलेक्शन इन लोगों ने की है। अब आप देखे स्टॉइनिस ने रन किए कल, उसके बाद हार्दिक पांड्या ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी, ठीक है, ये दो ऑलराउंडर, और भाई दुनिया में ऑलराउंडर्स चाहिए होते हैं टीम के अंदर, चाहे वो बैटिंग करते हैं चाहे वो बॉलिंग करते हैं, ऑलराउंडर्स की एक वैल्यू है, वो किसी मैच में 25-30 रन करेंगे, उसी मैच में एक दो आउट करेंगे, किसी मैच में 50-60 रन कर देंगे, कोई आउट नहीं करेंगे, बेशक मार पड़ जाएगी, इसी तरह मिक्स मैच करके कभी एक कभी दो कभी 30 कभी 25 रन, वो ऑलराउंडर का ये काम है। ये दोनों भी स्टॉइनिस भी हार्दिक पांड्या जब आए थे पहले, तो वो कौन से बड़े कोई चैंपियन बन के आए थे, खेल खेल के वो रेपुटेशन बनाई, प्लेयर बनाए गए। हम क्या कर रहे हैं, वो आमिर जमाल इतना जबरदस्त ऑलराउंडर है, उसका एटीट्यूड, यही तो एटीट्यूड मेन चीज होती है आपका इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, उसका एटीट्यूड चेक करो, बॉलिंग वो कर लेता है, बैटिंग वो कर लेता है, फील्डिंग उसकी अच्छी है, हमने क्या है जी उसकी परफॉर्मेंस नहीं, ओ भाई कितने मैच खेल लिए जो ये टीम के अंदर डाले हुए वर्ल्ड कप के अंदर, इनकी कितनी कितनी परफॉर्मेंसेस हो चुकी हैं, कैसे वो टीम के अंदर है, दोस्ती यारी की वजह से थकी हुई सिलेक्शन कमेटी, वहाब रियाज ने वाट लगा दी इस पाकिस्तान टीम की और सिलेक्टर्स ने सब ने मिलके, हैं इनको नजर नहीं आ रहा, अपनी मर्जी के प्लेयरों को दिए जा रहे हो चांस, आमिर जमाल ने कितनी क्रिकेट खेली थी भाई,
और जी पीएसएल की परफॉर्मेंस नहीं है तो जिनकी है वो क्या तीर मार रहे वर्ल्ड कप में, उसका इतना अच्छा एटीट्यूड है खेल खेल के भाई वो और अच्छा हो जाएगा, उसको लाओ टीम में वापस, बेशक वर्ल्ड कप में तो नहीं आ सकता, वर्ल्ड कप के बाद लाओ वापस, ऑलराउंडर बनाओ, एक ही ऑलराउंडर है जो जो एग्रेशन अच्छा है, आंखों में आंखें डालता है, स्लेजिंग करता है, चढ़ के आता है, हमने देखा नहीं है ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज के अंदर। अमेरिकन क्रिकेट टीम से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम हार गई और इतने बुरे तरीके से हारी है कि आप ये देखिए कि सुपर ओवर में 19 रन्स बनाने थे और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम 19 स्कोर नहीं कर पाई, 19 रन्स नहीं आप बना पाए और 13 स्कोर किए आपने। और ये अमेरिका की क्रिकेट टीम है भाई, अमेरिका की क्रिकेट टीम से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम हारी है तो वो कह रहे हैं कि ये जनाजा निकाल दिया है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का अमरीकी क्रिकेट टीम ने। एग्जैक्टली ये वर्ड्स इस्तेमाल किए जा रहे, कैन यू इमेजिन। अच्छा जब ये इस मैच की हम तक खबरें पहुंची थी और हमें पता चला था कि ये मैच होने लगा है, अमेरिका में हो रहा है ये मैच, तो सब कह रहे थे कि भाई बड़ा जबरदस्त मैच होगा और जाहिर है कि ये सोचा ही नहीं जा सकता था कि अमेरिका की टीम, मतलब अमेरिका ने क्रिकेट खेली का मुझे ये तो बताएं, अमेरिका ने क्रिकेट कब खेलनी शुरू की, उनकी टीम कब बनी और वो कितने पुराने क्रिकेट खेलने वाले हैं कि चैंपियन रह चुके हैं कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने तो हारना ही था। यानी मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा भाई कि ये खेलने जाते हैं क्या करने जाते हैं। और शादाब रियाज से लेकर जितने लोग हैं, अब ये ट्रेंड चल रहा है कि शादाब रियाज को वापस भेजो, और शादाब रियाज साहब ने जो तकरीर की है मुझे तो समझ नहीं आ सकी, आपको भी मैं सुनाई देती हूँ, आपको समझ आए तो आप जरूर मुझे बताइएगा। इसकी जो सारी वीडियोज है मैं वो आहिस्ता आहिस्ता इंस्टाग्राम पे डालनी शुरू कर दी, मैंने इंस्टाग्राम पे आप जाकर मेरे देख सकते हैं, ऐसी जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने इसकी प्रैक्टिस की थी भाई, इतने भारी भारी पत्थर उठा उठा के पहाड़ों से ऊपर लेकर जा रहे हैं, ये वाली प्रैक्टिस की थी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने, इसकी वीडियोज आ रही हैं। आपको पता है ना कि वो एक स्टैंड लिया गया था कि अब फौज क्रिकेट टीम को ट्रेनिंग करवाएगी, तो क्रिकेट टीम को ट्रेनिंग बड़ी सख्त करवाई है, ट्रेनिंग बड़ी सख्त करवाई, ये बात है, इतने भारी भारी पत्थर उठा उठा के खिलाड़ी बेचारे जो है ना वो पहाड़ों से ऊपर ले लेके जा रहे हैं और उसके बाद पता ही चलता है कि अमरीकी टीम से हार जाते हैं। भाई ये क्रिकेट खेलने का काम जो है ना, ये पत्थर उठाने से क्या मतलब, आप पहाड़ भी उठा लेंगे तो इससे क्रिकेट का क्या वास्ता, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती बिल्कुल कि ये किस किस्म की जो है आपने इसके अंदर ट्रेनिंग करवाई है। लेकिन भाई सवाल ये है कि आप इतनी पुरानी क्रिकेट टीम, आप इंडियन क्रिकेट टीम से क्या खेलेंगे, मतलब आप पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इंडियन क्रिकेट टीम से खेलेगी, इंडियन क्रिकेटर से आप खेल के जीतेंगे, आपने शक्लें देखी अपनी कि जब अमरीकी टीम से आप हार गए तो इंडिया की टीम से आप कैसे जीतेंगे। और इसके ऊपर युवराज साहब की जो है वो एक ट्वीट भी आई हुई है और शाहिद आफरीदी साहब ने भी कुछ कहा है, मैं सब कुछ आपके सामने रखती हूँ जनाब। सबसे पहले तो ये कि जरा ये सुनिएगा कि लोग क्या कह रहे हैं, जरा ये मैं आपको चाहती हूँ कि आप सुने ताकि ये, बल्कि ये ना क्रिकेटर्स को सुनवाएं, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को सुनवाएं कि ये देखिए आपके मुतालिक क्या बातें हो रही हैं। ब्रेक लग जानी चाहिए, 25 करोड़ की किया जाए, लांती बेशर्मों के मैचों पे तज्जिया बंद किया जाए, इनको संसार कर दो, इनको बर्बाद कर दो, इनको तबाह कर दो यार। यार मेरे ख्याल में इसके बाद अब आप जो है ना इनकी क्रिकेट को ब्रेक लग जानी चाहिए, 25 करोड़ की जिल्लत का सबब बन गए यार। 25 करोड़, यानी कि मैं आपको अगर ये बताऊं ना कि इस वक्त अमेरिका में किसी को नहीं पता कि कोई क्रिकेट का वर्ल्ड कप यहाँ खेला जा रहा है, किसी को नहीं पता, ये जो तीन लड़के खेल रहे हैं इनके घर वालों तक को नहीं पता ये यार कोई वर्ल्ड कप चल रहा है। पाकिस्तान में घर घर में लोगों को पता है, जबकि पाकिस्तान में किसी को पता नहीं होना चाहिए था, लोग रात के इस पहर, जबकि इंडिया में 1:30 बज रहे, पाकिस्तान में 1 बज रहा है, सोने सो रहे होते, सुबह उठते लोग तो पता होता कि यार अमरीका को मार दिया पाकिस्तान ने, ये सिचुएशन हो रही है, लोग इस तरीके से रो रहे हैं। और ये सुन ले एक और, बहुत दिल टूटा है, ये मेरी जिंदगी का पहला आईसीसी का मैच था, बड़ी उम्मीदों से आए थे, क्या हुआ है, कितना दिल टूटा है, क्या कहो, बहुत दिल टूटा है, ये मेरी जिंदगी का पहला आईसीसी का मैच था, बड़ी उम्मीदों से आए थे कि यूएसए को हराएंगे, ये हमारी टीम का हाल है, इनको चाहिए, इनको केनिया से गलाएं, इनको युगांडा से गलाएं, उनसे भी हार जाएंगे, ये क्यों से भी हार जाएंगे, बाबर आजम हमारा क्या नंबर वन बैट्समैन है,
45 बॉलों में 40 रन बनाए, उनके यहाँ बैट्समैन देखे आजम खान के पीछे, आजम खान हमें सरफराज चाहिए यार, कितने चांसेस और मिलेंगे यार, हम कितने डिसअपॉइंटमेंट देखेंगे इस तरह। मतलब आयरलैंड से हार रहे हैं, पहली दफा यूएसए से खेला है और उनसे भी हार गए हम यार, पहली दफा उन्होंने वर्ल्ड कप, मतलब हम आए यहाँ पे दूर दूर से आए मैच जिम्बाब्वे से हारे और हम किसी आजम खान जिम्मेदार है, लेकिन फिर भी लेकिन आप इसलिए कि वहां पे अगर उंगलियां उठ जाती हैं तो फिर एक तरह से जो आपकी स्पिरिट है ना उसको धचका लगता है, और एक दफा जब एका टूट जाए और स्पिरिट डिस्ट्रॉय हो जाए तो फिर स्किल लेवल सारे पीछे चले जाते हैं, फिर जीत आपकी पीछे चली जाती है, आपका फोकस ही नेगेटिव हो जाता है। तो एक तो पाकिस्तान को ये नहीं करना, एक दूसरे के साथ मिल के एक स्ट्रेटजी बनानी है और उंगलियां नहीं उठानी है। और देखें क्रिकेट इस लिहाज से एक बड़ी यूनिक गेम है, और खासतौर पर पाकिस्तान की जो क्रिकेट है ना वो बहुत यूनिक है। आपको मार पड़ी यूएसए के अगेंस्ट, लोगों ने थू थू की, पूरा पाकिस्तान चिल्ला उठा, यहाँ पे एक्सपैट्स, यहाँ पे फैंस नाला नाराज, और जैसे कि ये टीम जो है इससे बड़ी उनकी दुश्मन नहीं है। और देखें डिसअपॉइंटमेंट होती है और ये क्रिकेटर को सहनी पड़ती है, ये मैंने भी सही, क्योंकि हाइज एंड लोज के थ्रू ये आपकी ग्रोथ होती है। सो पाकिस्तान टीम के भी हाईज और लोज के थ्रू ग्रोथ होनी चाहिए और इंडिविजुअल लेवल पे भी होनी चाहिए। मगर जो इंटरेस्टिंग बात है पाकिस्तान क्रिकेट की वो ये है कि अगर आप न्यूयॉर्क में भारत से जीत जाते हैं तो सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है पाकिस्तान के लिए कि अपने आप को एक दोबारा से इकट्ठा करें और मैदान में उतरें। और मैं आपको एक चीज बता दूं, देखें अगर आप इस हार को जल्दी से अपने सिस्टम से निकाल देंगे तो न्यूयॉर्क की जो कंडीशन हैं वो 50-50 हैं। अगर तो वो नॉर्मल कंडीशंस होती, इतनी टैक्सिंग कंडीशंस ना होती, तो भारत को क्लियर एडवांटेज था, क्योंकि भारत की सुपीरियर टीम है बॉलिंग बैटिंग के लिहाज से, इवन फील्डिंग के लिहाज से, और फिर ये कि उनके पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स भी हैं, पाकिस्तान के पास भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, मगर एक हारी हुई टीम है और बहुत बड़े मुकाबले में जा रही है, मगर कंडीशंस की वजह से, क्योंकि लॉटरी टाइप की कंडीशंस है, पाकिस्तान इस मुकाबले में आ गया है। अब अपने आप को बैक करना है और एक जिसको कहते हैं ना कि अंदर से अपने आप को उठाना है, आपको अपने आप से बात करनी पड़ेगी। और T20 क्रिकेट में बहुत दफा ये कह चुका हूं कि ये आपसे अपनी कप्तानी मांगती है, ये टीम की कप्तानी या टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके शोल्डर पे नहीं होनी चाहिए। अगर आपने अपने 4 ओवर्स ठीक कर दिए, फील्डिंग ठीक कर दी, 8 ओवर की बैटिंग ठीक कर दी, आपकी जो गेम अवेयरनेस है वो सही रही, तो आप सितारे बन के उभरेंगे। सो से मैच जीत जाना था तो कर्जा हमें किसने देना था? सीधी साफ बात है, यूएस से मैच अगर हम जीत जाते तो कर्जा किससे लेते हैं? ये बात है, हर चीज में लॉजिक पाकिस्तानी ढूंढ लेते हैं, परफॉर्मेंस पे सीधी तरह बात करें ना। परफॉर्मेंस अब आपके सामने है, परफॉर्मेंस इन लोगों ने की किया है। हाँ। अगर सुपर ओवर तक चले जाते थे तो इनके पास चांस है थे, सुपर ओवर में ये लोग परफॉर्म करते, अगर इन लोगों ने बॉलिंग के अंदर रन खा लिए तो बैटिंग तो करते, इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया, ये एक्सपोज हो गए ना, इनकी बैटिंग चली ना बॉलिंग चली। मैडम अगर ये सब कुछ चला लेते तो वही बात आ जाती है, कर्जा हमें किसी ने भी नहीं देना था। तो कर्ज की खाते वो जो कचकोल है हर परफॉर्मेंस पे ताला लगा दे, कुछ एक्सपेक्ट ना करें। नहीं मैडम अब इनसे कर भी क्या सकते हैं हम लोग, कुछ भी नहीं कर सकते। 9 जून को इंडिया है तो मैडम पहले भी जो इंडिया हमारा हल करता रहा वो दोबारा कर देगा। इंडिया में एक मशहूर मुहावला है, हम जम के पेलेंगे। मैडम हम वो उनकी जो मार है वो हम सहलेंगे सहलेंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि मुझे कहीं ना कहीं झटका लगा हुआ था कि यार ये यूएसए की टीम कहीं पाकिस्तान को हरा ना दे। उसकी वजह ये है क्योंकि जब कनाडा के खिलाफ यूएसए ने 194 रन चेस किए, वहां पे हमने शो में शायद जिक्र भी किया था कि यार ये जो उन्होंने रन कर दिए ना, ये पाकिस्तान को कहीं टेंशन में ना आ जाए पाकिस्तान, क्योंकि हमें ये 100% पता है अगर नामीबिया की टीम पाकिस्तान से खेलेगी तो हम नामीबिया की टाइप की क्रिकेट खेलेंगे, हम कनाडा से खेलेंगे हम उसी लेवल की क्रिकेट खेलेंगे, हम उन्हीं की लेवल की खेलते हैं। मुझे समझ नहीं आती इनको हो क्या जाता है। ओ भाई जाओ फेंटा लगाओ यार, आपकी टीम और दूसरों की टीम में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा। देखे नहीं, लेकिन मुझे ये बताया गया जो आउटफील्ड स्लो है, कंडीशंस अच्छी नहीं है, पिच अच्छा नहीं है, ये तो यूज्ड टू है, हम यूज्ड टू भी नहीं थे, तो फेंटा तो लगना था। फिर वो बड़े लड़के भी ले आए,
फिर उन्होंने जो है वो दूसरे मोहल्ले के लड़के भी खिलाए थे जो उनका फास्ट बॉलर है दूर का, टेप बॉल में जो होता है। ये गली पे जब हम खेलते थे ना, ये वाले बहाने तब लगाते थे, नेशनल टीम के बहाने ये नहीं होते। आपके बेहतरीन खिलाड़ी जो कि किसी ना किसी दिन चलेंगे, और जब तक नहीं चलेंगे तब तक वो टीम में रहेंगे, और जिस दिन चल जाएंगे उसके बाद उन्हें टीम से कोई निकाल नहीं सकता क्योंकि वो चल गए, जो कि आजम खान है। डिजर्व्ड एक ऐसी टीम जिसने कल से पहले सिर्फ 28-29 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले थे, एक इतनी बड़ी टीम पाकिस्तान की जो 2009 की T20 वर्ल्ड कप चैंपियन भी है, उसको एक करारी शिकस्त दी। हार जीत खेल का हिस्सा है, कल बहुत तकलीफ हुई, मुझे भी लाखों करोड़ों पाकिस्तानियों की तरह लगा कि अगला दिन एक नया दिन होगा और आगे बढ़ेंगे, लेकिन सुबह उठ के भी वो तकलीफ कम नहीं हुई थी, और इट्स अ गुड साइन, क्योंकि जब दर्द होगा तकलीफ होगी तो शायद हम इस बारे में सोचें कि एक खेल, एक एंटरटेनमेंट जो इस मुल्क के पास है वो भी इससे ना छीनी जाए। ये एक दिन का मसला नहीं है, ये एक तवील अरसे से चलता आ रहा है, उसके रिजल्ट्स अब सामने आ रहे हैं। अब T20 वर्ल्ड कप में जो बड़ा अपसेट हुआ है, अमेरिका ने पाकिस्तान को सुपर ओवर में शिकस्त दे दी है। अमेरिका जो हमारी टीम ने जो कल किया है, और मुझे ये समझ नहीं आती, ये सब कहते हैं जी तनकीद नहीं करनी चाहिए, तनकीद क्यों नहीं करनी चाहिए? हाँ। क्यों नहीं करनी चाहिए भाई? पाकिस्तान की टीम है, वो गली की टीम थोड़ी है कि हम तनकीद नहीं करेंगे। बिल्कुल, जब आप अच्छा करेंगे आपकी तारीफ होगी, जब आप बुरा करेंगे, और इस किस्म का बदतरीन मतलब शिकस्त हुई है कल, इतनी बुरी आपने क्रिकेट खेली है, तो हम आपको कोई वो हार फूल तो नहीं पहनाएंगे, आप दे सकते मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन क्या है? मैं ये तो होना ही था ना, मतलब ये जो सिचुएशन है ये अभी एक दिन की नहीं है, ये नॉन स्टॉप चलती रही है। और अगर आप बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें, आफ्टर मैच कॉन्फ्रेंसेस देखें, तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ रटे रटाए जुमले हैं, वही वो बोलते रहते हैं। उनका यही कहना 20-25 रन शॉर्ट हो गए, सामने वाली टीम को क्रेडिट देना, ये हम सुन सुन के थक गए। आप 5 ओपनर लेके गए, आपका मिडिल ऑर्डर है नहीं, फिर आपका कप्तान कहता है मिडिल ऑर्डर को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आपका तो ऑलराउंडर शुरू हो जाते हैं। तो इट इज रिडिक्यूलस। और छह दिन में अगर पाकिस्तान को, आप इससे पाकिस्तान की टीम बुरा लिख कर सकती कि अमरीका के मैच से ज्यादा बुरा, डरे खौफ में सहमे से बैटिंग का आगाज किया, पावर प्ले में 30 रन बनाए, 3 खिलाड़ी आउट हो गए, बाबर आजम ने 25वीं गेंद पे जाके बाउंड्री मारी है। इट वाज ऑल पैनिक। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान के हाथ पैर जैसे फूले हुए थे, और उनको हर बार ऑब्वियसली एक आपकी एक हिस्ट्री भी रहती है, आप हमेशा छोटी टीमों के खिलाफ और इनएक्सपीरियंस टीमों के खिलाफ बुरा ही खेलते हैं, और कल भी वही हुआ। और बहुत सारे लोग मजाक में कह रहे थे पहले अमेरिका से तो जीत जाए, पहले अमेरिका से तो जीत जाए, हम लोग इस बात को सीरियस नहीं ले रहे थे। लेकिन पाकिस्तान टीम का ये खासा है कि दूसरी एक और चीज ये है ना कि वी पे जाके खेलती। देखिए दोस्तों, कल पाकिस्तान मीडिया हो जाए या फिर पाकिस्तान फैन हो जाए, उनको ज्यादा इस बात को लेकर चुभा, वो यूएसए से तो हारे लेकिन 2 बार हारे। एक तो जो 20 ओवर का गेम था, लगभग 18 ओवर तक, और शुरू में फास्ट इनिंग्स अगर बीच में 2-3 ओवर निकाल दो तो लगभग 70-80% मैच यूएसए के कंट्रोल में था। अमेरिका के साथ खेलने को लेकर लग रहा था कि पाकिस्तान इंग्लैंड से ही जब से उतरा है तब से ही प्रेशर में था, क्योंकि पिछले 1-1.5 महीना या फिर 2 महीने से इंग्लैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, या फिर न्यूजीलैंड के सी डी टीम हो गया, उनके खिलाफ पाकिस्तान का कोई अच्छा परफॉर्मेंस तो था नहीं। तो यूएसए के खिलाफ प्रेशर में आना एक तरीके से आप कह सकते हो स्वाभाविक था, और यूएसए जिस हिसाब से पिछले 1-1.5 महीने से क्रिकेट खेलकर आ रहा था तो लग ही रहा था कि अगर थोड़ा पिच मदद की तो यूएसए पाकिस्तान को हरा सकता है। और इस बात को लेकर पाकिस्तान टीम भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था यूएसए के एग्नेस्ट खेलने को लेकर, और रिजल्ट भी उसी हिसाब से आया। 20 ओवर के गेम में तो वो हारे ही हारे। साथ में सुपर ओवर जो लग रहा था कि शायद सुपर ओवर जब गेम गया तो लग रहा था पाकिस्तान इस मैच को जीत जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो बॉलिंग अटैक था उस बॉलिंग अटैक में 17-18 रन कभी भी नहीं होना था, लेकिन 7 रन वो एक्स्ट्रा दिए और वो एक्स्ट्रा रन के चलते वो मैच हार गए। अब ऐसा हालात है कि भारत के साथ हारते ही पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में सफर ही खत्म हो जाएगा। अब देखना होगा 2 दिन के बाद जब भारत के साथ मैच होगा तो पाकिस्तान किस माइंडसेट से उतरेंगे, क्या वो और मोरल डाउन होकर उतरेंगे और बुरी तरीके से अब तक जितने वो भारत से हारे हैं बुरी तरीके से परफॉर्मेंस देंगे, या फिर भारत के खिलाफ कमबैक करेंगे, पता चल जाएगा। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।